से होती सर्वश्रेष्ठ भक्ति स्वरूपिणी। महाप्रभु भक्ति रे तरली जाती, भक्तिर भाव को हृदय रे ग्रहण करती, से होती भावग्राही। से भावग्राही प्रभु जेतेबेले से भाव को ग्रहण करी कर्ण पटल रे से प्रसंग सुनिले तंकर दिव्य अंग तरळिबाकु आरंभ कले। पाखरे थिले सुभद्रा जशोदा नंदिनी माँ देवकींकर कन्या, से जशोदांकर कन्या स्वरूपिणी, देवकींकर कन्या रोहिणींकर कन्या स्वरूपिणी अति पाखरे थिले बोली तंकर हात गोड़ सबु तरळि गला। महाप्रभुंकर हात अधा अधा रहिला एवं सुदर्शन स्तंभाकार आकृति धारण कले। नारद जेतेबेले सुंदर रूप आसी देखिले द्वारकापुरी रे महाप्रभु को प्रार्थना कले, कहले प्रभु तुमर प्रत्येक लीला, तुमर प्रत्येक वार्ता, तुमर प्रत्येक रूप चिरंतन शाश्वत, तुम्हें ये रूप रे टिके भक्त मानंकु दर्शन दियंतनी। तेणु कृष्ण भक्त माने विश्वास रखंती जे महाप्रभु नारदंकर से कथा को रखिबा पाई ए अधा गढ़ा दियो रूपरे चतुर्धा मूर्ति है श्रीक्षेत्र रे कलिजुग रे माँ गुंडीचा राणीकर कथारे विराजमान करिच। एपटे आम दर्शन करुचु नीलचक्र। भक्त बंधु ये नीलचक्र अष्ट धातु विशिष्ट एत एक वैचित्रमय ये दिव्य पदार्थ जहाँ अस्तगामी सूर्यंकर आभा सहित गाढ़ नीलवर्ण धारण करती, नीलाभ हो जाती। नीलवर्णर गभीरता भितर सत्यवा भक्ति को सी बांटी बांटिकी समस्त हृदय परिपूर्ण करती। महाप्रभुंकर जो दिव्य कला वर्णर जो रूप से कला वर्णर रूप को आकाशर नीलिमा सहित एकाकार करी चिद्भास रूपरे चिदानंद रूपरे समस्तंक हृदय रे अनंत आनंद दिय। अतीत पावन बाना फर फर हे उड़ुचंत भक्त मानंकु डाकुचंत नील चक्रे हो देख उड़ुची बाना, नील चक्रे हो पतित पावन पतित पावन पतित पावन नामटि जाना, नील चक्रे हो देख उड़ुचि बाना, नील चक्रे हो आस आस बोली पात की मानंकु परा संगात नेत ध्वजावर उड़ी फर फर नेत ध्वजावर उड़ी फर फर उड़ाई देउछी भव जातना, नील चक्रे हो भव जातना को उड़ाई बापाई से पतित पावन बाना समर्थ। एवं एपटे आम दर्शन करुचु कृष्ण लोहित रथर मंडणी सहित माँकर दिव्य रथ देवदलन रथ पद्मध्वज ये आगक आगक आसुचं। आंकर ना दर्प दलन प्रत्येक दर्प दम्भ अहंकार को विनाश करिवार शक्ति महाप्रभुंकर इंगित मात्र के माँ सुभद्रांकर रहिचि। गोटे कथा अच्छी जे सुभद्रा रूप से जितेबले मालिनी नदी ये क्षेत्र को बड़ दंड को भाग करके बही जाऊ मालिनी नदी फुली उठी रथर आर पार्श्व को महाप्रभु को जीवापाई सुविधा हलानी। गभीर राति रे भक्त पंडा निद भांगी की उठिकी बसी महाप्रभु को पचारुचंती महाप्रभु हे सत्यवा तुमर ये यात्रा संपूर्ण हो पारनी। आखि झलसी उठिला श्वेत रंगर वस्त्र परिधान करी मथारे ओढ़ा दे सुभद्रा आकृति
ଜଣେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସିଏ ହେଲେନି, ସେ ଜଳକୁ ସିଏ ଶୋଷି ନେଲେ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରଳୟ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶୋଷି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଅଟକିବେ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା ସତ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। ଏକଥା ବି ସତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପରିସୀମ। ଏକଥା ବି ସତ ଆକାଶର ନୀଳିମା ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବିସ୍ତାରିତ, ଚୈତନ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସମଗ୍ର। ଏଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଯତ୍ନରେ ରଖିବ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଭୋଗକୁ ବି ତୁମେ ଜଗିଥିବ, ସିଏ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ! ଏ ଯେଉଁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଭା, ଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଭା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମା ସୁଭଦ୍ରା